हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने प्रतिज्ञा परिवार में। साथियों, हमारा जो सेशन चल रहा था, आइए उसी सेशन को बढ़ाते हैं आगे। यानी कि हम बात कर रहे थे अपने राजस्थान के जितने भी पुराने पेपर हुए हैं और ऐसे पेपर जिसके अंदर राजस्थान जीके के क्वेश्चन आते हैं, उनको लेकर हमारी ये सीरीज चल रही है। आज इसी कड़ी के अंदर उस पेपर को लेकर आए हैं जिसका एग्जाम हाल ही में हुआ था, मतलब डेट लिखी हुई है 13 दिसंबर 2020। पेपर एक बार फिर कनिष्ठ अभियंता, मतलब इस सरणी का ये चौथा पेपर है जो हुआ था। तो मतलब 13 दिसंबर 2020 अभी हुआ है। और एक अच्छी खबर आपको बता देता हूं कि जो आप में से रिट की तैयारी कर रहे हैं उनका फाइनल नोटिफिकेशन भी आ गया है और 100% उनके एग्जाम इसी डेट पर होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से तैयारी करते रहिए और आज जुड़ते हैं इसी पेपर के साथ में। बिल्कुल हमारे साथ रोकी परमार, खुशी, योगिता, अर्पित, अंजू यादव, प्रदीप कुमार, बिल्कुल। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री ठीक है। अच्छा, विकास जी स्वागत है जी, बिल्कुल। जो भी हमारे साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बहुत जल्द ही, मतलब कुछ ही दिन में, थोड़े से और पेपर कर लेते हैं। वैसे कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि सोल्व ना हो जाए। कल पेपर सोल्व करेंगे, वो करेंगे हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो एग्जाम हुए हैं उनको लेकर, फिर पुलिस वाले भी करेंगे। आप नो टेंशन रहिए, ठीक है। हाँ पंकज सर, टेक्निकल हेल्पर में राजस्थान जी के, हाँ बिल्कुल लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। MCQ का बैच बहुत ही शानदार चलाएंगे प्रत्येक एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ योगेश नौखवाल, बिल्कुल उसकी भी शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंजू यादव, अब जो फॉरेस्ट के अंदर है वो बिल्कुल 2300 पोस्टें हो गई है और फॉर्म जल्दी रीओपन हो जाएंगे। बिल्कुल आराम से तैयारी करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये अपना सेशन। और एक बार फिर कनिष्ठ अभियंता, जिसके अंदर राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन आए थे, 40 क्वेश्चन आए थे, उन सभी को लेकर करते हैं सोल्व। चलिए, आज के अपने सेशन का आपके स्क्रीन पर यही रहा पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पहला क्वेश्चन। और पहला ही क्वेश्चन आया है, वो आया है आपके कृषि से संबंधित। मतलब आप में से जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के स्टूडेंट हमारे साथ अभी हैं, तो वो जरूर देखें इस क्वेश्चन को, उनके लिए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। मतलब एक तरफ आपके लिए दे रखे हैं कृषि जलवायु प्रदेश और सामने है उनका संबंध जिलों से। वैसे अगर कृषि जलवायु प्रदेश की बात करते हैं ना, कृषि जलवायु प्रदेश, तो अपने राजस्थान के अंदर कृषि जलवायु प्रदेश हैं 10। कितने हैं? 10। बताइए कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। बिल्कुल टॉपिक वाइज ही कराएंगे, बिल्कुल MCQ जब हम करवाएंगे तो टॉपिक वाइज ही कराएंगे। बाकी ये पुराना पेपर है तो आप सभी जानते हैं, इनके अंदर तो पूरा लगभग राजस्थान सम्मिलित हो जाता है। इसके अंदर बताइए सही सुमेलित है। सेकंड ए चूरू है, थर्ड ए दौसा है, फोर्थ ए करौली है, या फर्स्ट ए गंगानगर है। सही सुमेलित है। देखिए ये फर्स्ट सेकंड आप इसके अंदर उलझना नहीं है, इसको बिल्कुल सिंपल वे के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। अगले संडे को मैं आपको पढ़ाने ही वाला हूँ राजस्थान की कृषि, जिसके अंदर कृषि जलवायु प्रदेश जो 10 है, बहुत ईजी है, केवल इनसे घबराना नहीं है। लेकिन वो मैं संडे को पूरी डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, अच्छा डी 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 साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी। थर्ड एक के अंदर क्या है? दोसा। बाकी सभी क्या है? असंगत। ये कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, संडे को कृषि पूरी डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, बिल्कुल नमस्कार, स्वागत। अब जो आप में से सुपरवाइजर के स्टूडेंट हैं उनको तो ये आता है, बाकी वाले तो सारे सारे। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन किसके प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए हुआ था। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन जो 2016 के अंदर हुआ था, जुलाई 2016 में, किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए हुआ था। फटाफट बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 10 है, कृषि जलवायु प्रदेश 10 है, उनको लेकर पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। बताइए, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन किस प्रकार के, वैसे ये जो मंडल है इस मंडल का गठन ही कब हुआ है तो याद रखना जुलाई 2016, जुलाई 2016, और किसकी रोकथाम के लिए तो याद रखना जल से संबंधित है, ये जल से, ये जल से संबंधित क्यों किया गया तो कल एक अपने क्वेश्चन आया था और पूछा गया था दर्वेवती नदी कहाँ से है, तो जयपुर के अंदर जब वर्षा हुई थी तो उसी नदी से जयपुर प्रदूषित हो गया था, इसीलिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन हुआ था जुलाई 2016 में, और किससे संबंधित था तो ये जल से था, याद रखना उस नदी से संबंधित है। ये कल तो आया था वो नदी और आज ये पूछ लिया कि ये मंडल किसके लिए था तो जल के लिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल लेखरा जी, अच्छा खनिज करवाएं, खनिज करवा देंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आपको जिस टॉपिक में दिक्कत हो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सेवण व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है, अर्ध शुष्क, आर्द्र, उपादर या फिर शुष्क। एक बार जो भी हमारे साथ हैं वो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई, फटाफट फटाफट कर दीजिए। और देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आया है, सेवण व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है, ये राजस्थान, ये तो है आपके कौन सा अति आर्द्र जलवायु, ये आपके है कौन सा आर्द्र, ये कौन सा है उपाद्र, ये कौन सा है अर्ध शुष्क, और ये कौन सा है शुष्क। हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सेवण, अब सिंपल सी बात है आप इतना तो जरूर जानते हैं कि सेवण जो घास है, ये जो सेवण है, ये सेवण राजस्थान के सर्वाधिक कौन से जिले में है तो आप कहेंगे जैसलमेर में, और आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के मैप में जैसलमेर यहाँ पर आता है, और जैसलमेर ही एकमात्र ऐसा जिला है जो राजस्थान का क्या है शुष्क मरुस्थलीय जिला, मतलब वो भी पूर्णतः शुष्कतम मरुस्थलीय जिला एक ही है, वो कौन सा है जैसलमेर, और इसी जैसलमेर के अंदर है आपके कौन सी सेवण, तो सेवण कौन से जलवायु के अंदर होगी, आप देख पा रहे हैं जैसलमेर किसमें है शुष्क में, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन और बनते हैं, एक तो पहला है कि सेवण सर्वाधिक कहाँ पर है जैसलमेर में, सेवण सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में है पश्चिमी राजस्थान में, सेवण घास कौन से जलवायु प्रदेश में है शुष्क में, और सेवण का वानस्पतिक नाम तो आप सभी जानते हैं लसिया रुस सिडिकस। तो इसके अलावा भी और याद रखना है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में सेवण, धामण और करंज, ये तीनों प्रकार की घासें पाई जाती है, ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने पूछा गया है, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के मध्यों का एक संयुक्त उपक्रम है, मतलब ऐसी कौन सी परियोजना है जो एमपी, गुजरात और राजस्थान से संबंधित है, चंबल नदी परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, नर्मदा नदी परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना। बहुत ही इसका आंसर है, बहुत सिंपल तरीके से दे सकते हैं, लेकिन ऑप्शन को पढ़ते वक्त आप इसका आंसर आराम से दे पाएंगे, वरना आप तो इसका आंसर गलत बता देंगे। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, चलिए बताइए ऐसी कौन सी परियोजना है जो एमपी, गुजरात और राजस्थान, ये क्वेश्चन ऑप्शन से राइट होगा वरना ये राइट नहीं होगा, याद रखना। देखिए चलिए किधर से भी शुरू करें कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले चंबल, अब ये तो आप जानते हैं कि चंबल नदी का गुजरात से तो कोई संबंध नहीं है, गलत। दूसरा है माही बजाज सागर परियोजना, हाँ जी अच्छा शी 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 शी, शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल। इंदिरा गांधी तो वैसे भी नहीं होगी, आपके सामने ऑप्शन बते हैं 2, माही बजाज सागर या नर्मदा नदी परियोजना, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। ऐसा नहीं है कि आप माही कर दो, माही नहीं करना है। माही बजाज सागर जो परियोजना है वो केवल और केवल राजस्थान में गुजरात के मध्य है, ये तो आप जानते ही हैं। चंबल किन किन के मध्य ये भी जानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के मध्य जो है वो याद रखना ऑप्शन नंबर सी है, नर्मदा नदी परियोजना। हाँ, नर्मदा नहर अपने राजस्थान के अंदर भी आती है जालोर और बाड़मेर के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी माही नहीं होगा, माही राजस्थान और गुजरात है केवल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि कब होती है? मतलब अपने राजस्थान के अंदर जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये कब आता है, फटाफट बताइए। और देखिए मानसून की अगर बात करेंगे तो देखिए किस प्रकार से अपने राजस्थान में क्वेश्चन बनता है। मानसून सबसे पहला, तो मानसून किस भाषा का है? तो याद रखना ये अरबी भाषा का शब्द है। ये पूछा गया है भाई किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किस शब्द से बना है? तो याद रखना मौसम से बना है। किससे बना है? याद रखना मौसम से बना है मानसून, जो अरबी भाषा का क्या है, एक शब्द है। नेक्स्ट है मानसून के बारे में अगला, और अपने राजस्थान के अंदर मानसून का नाम क्या है? तो मानसून का नाम है दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अगला क्वेश्चन है मानसून की दिशा क्या है? तो प्यारे साथियों अपने राजस्थान के अंदर जो मानसून आता है उसकी दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वे की ओर। अपने राजस्थान में क्या है मानसून की दिशा। आपको पूछा जाए अपने राजस्थान में मानसून की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति है साथियों देरी से आना वे जल्दी से जाना, देरी से आना और जल्दी से जाना, आवई मोड़ी है और जावई पहली है। मतलब देरी से आना और जल्दी से जाना, ये अपने राजस्थान में मानसून की क्या है, प्रकृति। आप कहेंगे सर अपने राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मानसून का प्रवेश द्वार, तो याद रखेंगे अपने राजस्थान के अंदर मानसून का जो प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है किसे? तो याद रखना बांसवाड़ा को। किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को। समझ गए होंगे आप इसका आंसर। बिल्कुल, शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल सभी के राइट है। सिंपल सी बात है, मानसून कब आता है? मानसून आता है जून से लेकर सितंबर, जून से लेकर सितंबर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो मानसून से रिलेटेड ये बातें याद रखेंगे। मानसून अरबी भाषा का है, मौसम शब्द है, राजस्थान में मानसून का नाम दक्षिण पश्चिमी है। वैसे आपको पूछा जाए ना कि अपने राजस्थान में मानसून की शाखा कितनी है, मानसून की शाखा, तो याद रखना अपने राजस्थान में मानसून की शाखा केवल 2 है। एक तो है आपके अरब सागर की और एक है बंगाल की खाड़ी की। आपको पूछा जाए कि अपने राजस्थान में सबसे पहले किस शाखा से वर्षा होती है, तो याद रखना अरब सागर से सर्वप्रथम होती है। लेकिन आपको पूछा जाए अपने राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है, तो याद रखना बंगाल की खाड़ी से क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा। ठीक है, वैसे जलवायु है, जलवायु आपको पढ़ानी है, मुझे पता है। जलवायु और कृषि अगले संडे को विचार है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें मानसून से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फिर देखिए। पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में गिर गोवंश के बारे में असत्य है? गिर गोवंश के बारे में असत्य है। इसे अजमेर में पाला जाता है, ठीक है, इसे रेंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बेल को दौड़ खेल के उपयोग में लिया जाता है। इसका उद्भव सौराष्ट्र से है। गिर गोवंश के बारे में असत्य कथन कौन सा है? फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए, और इतना इजी क्वेश्चन मैं तो इसको कहूंगा कि ये चिंटू है, चिंटू। देखिए ऑप्शनों को देखना है, ठीक है। हाँ, लेखराज राजस्थान पुलिस सिलेबस के बारे में, हाँ बिल्कुल राजस्थान पुलिस के बारे में बिल्कुल बता दें, कोई बताइए बताइए। गिर गोवंश के बारे में असत्य है। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा सी सी सी, अरे शाबाश, क्या बात है। यहाँ पर गोवंश है मतलब गाय है, और यहाँ पर ऑप्शन सी में क्या दे रखा है कि बेल को दौड़ खेल में उपयोग लिया जाता है। अब गाय का और बेल का क्या संबंध है, कुछ है क्या? शाबाश शाबाश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बात है। गिर गोवंश है, वो अजमेर में पाला जाता है, इसे रेंडा भी कहा जाता है, याद रखना रेंडिया कहा जाता है, बाकी रेंडा भी कहा जाता है, और इसका उद्भव बिल्कुल सौराष्ट्र अजमेरा, बिल्कुल अजमेर से है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये असंगत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। अब 7 नंबर जितना इजी तो क्या होगा, ये भी चिंटू है। नए मूल की जलोड़ मर्दा नहीं पाई जाती है। अब मिट्टी तो मैंने आपको पढ़ा रखी है, कैसा ही घुमाकर क्वेश्चन आ जाए लेकिन ये आपसे कभी गलत नहीं होगा, ये तो मुझे पता है। ठीक है, बताइए। मिट्टी आपको इतने शानदार ढंग से पढ़ाई गई है कि कोई भी क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, यदि आपने थोड़ा सा ध्यान दिया है तो। देखिए यहां पर मिट्टी है कौन सी, काली मिट्टी। यहां पर है कौन सी, लाल मिट्टी। यहां पर कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। और ऑप्शन के अंदर देख लीजिए, एक तो कोटा है तो फिर दूसरा पढ़ाई क्यों, जब पता है कि कोटा के अंदर जलोढ़ नहीं है। कोटा के अंदर तो क्या है, अरे कोटा है हाड़ौती क्षेत्र में, और हाड़ौती में है काली मिट्टी, कपास के लिए उपयोगी, जो श्वेते जुत्ते वाली मिट्टी कहलाती है। कपास ये मिट्टी है, ज्वालामुखी मिट्टी है, इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। यही तो है, क्योंकि कोटा में जलोढ़ नहीं है। जलोढ़ वहां पर है जहां पर मैदान है, नदियां बहती है। भरतपुर, अलवर और जयपुर मैदान के अंदर शामिल है। शाबाश शाबाश भी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई हार्ड वाला बात ही नहीं था कि जलोढ़ नहीं है। और एक बात हमने जलोढ़ के बारे में कल और पढ़ी थी, कौन सी, याद रखना, राज्य में सर्वाधिक उपजाऊ वाली मृदा। राज्य में सर्वाधिक उपजाऊ वाली मृदा पूछा जाए तो याद रखना कौन सी है, जलोढ़ मृदा। और इसके बारे में एक बात और पढ़ी थी, भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक मृदा भी कौन सी है, जलोढ़। राजस्थान में तो सर्वाधिक उपजाऊ वाली जलोढ़ है, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी तो रेतीली है, बलुई मिट्टी राजस्थान के पश्चिम में। लेकिन भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है, जलोढ़, राजस्थान के लिए सर्वाधिक उपयोगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से देखना है और उसके बाद में आंसर देना है, क्योंकि ये सारी बातें आपको बता रखी है। यहाँ से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई फैक्ट गलत नहीं होना चाहिए, बताइए। हाँ जी, और एक बार देखिए, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए भाई। बताइए इसका आंसर क्या होगा। भाखड़ा, नांगल, चंबल, व्यास और इंदिरा। नहरें बतानी है, इधर परियोजनाएं हैं, इस परियोजना से संबंधित यहां पर कोई नहरें आपको दिख रही है क्या? बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा गौतम, ठीक है ठीक, अच्छा कोई नहीं कोई नहीं, अच्छा छोटे भाई के एग्जाम, चलिए आशा करते हैं पेपर अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका आंसर, अच्छा डी 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 भी बता रहे हैं, सी भी बता रहे हैं। बहुत आप क्वेश्चन को समझ गए ना, ये परियोजनाएं हैं और इन परियोजनाओं से ये नहरें चलती है, ये फैक्ट है। देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना हमने पढ़ी, आप कहेंगे हाँ सर पढ़ी। भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत 2 बांध थे, आप कहेंगे हाँ सर, एक तो भाखड़ा बांध और एक नांगल बांध। नांगल बांध से 2 नहरें थी, आप कहेंगे हाँ सर, एक तो थी भाखड़ा नहर और एक कौन सी थी, बिष्ट दोआब नहर, ऐसा नाम लिखा था मैंने। तो ये बिष्ट दोआब नहर का संबंध किस परियोजना से है, भाखड़ा नांगल परियोजना से। पहले में सी, ठीक है, पहले के अंदर सी किस किस में है, तो ये दोनों तो नहीं है, एक बचा है, एक आपको यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार पता चल रहा है कि जय नारायण व्यास जो लिफ्ट नहर है उसका संबंध इंदिरा गांधी नहर से है, तो मतलब चौथे के अंदर क्या है, बी। अब चौथे के अंदर बी किस किस में है, इसमें है और इसमें है, और ये तो पहले ही गलत हो गया, अब बच्चा कौन सा है, केवल यही। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देख लीजिए पहले के अंदर बी और दूसरे के अंदर डी, तिगोद और व्यास से संबंधित आपके कौन सी हो जाएगी, ए, व्यास सतलज नहर। आपको दो भी आ रहे हैं तो भी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 9, आभानेरी बावड़ी की अवस्थिति निम्न में से किस जिले में है। अब आभानेरी बावड़ी कहां पर है भाई, नाम सुना होगा चांद बावड़ी, ये चांद बावड़ी आभानेरी में ही तो है, और एक आभानेरी के अंदर मेला भरता है भाई, याद रखना किसका, हर्षद माता का, हर्ष का मेला भरता है, वो शिकर है, ये चौहानों के तो कुल देवता है हर्ष शिकर, और ये हर्षद माता का मेला है आभानेरी, और आभानेरी कहाँ पर है तो आप बताएंगे दोसा। किंतु क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, चांद बावड़ी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चांद बावड़ी, आभानेरी, दोसा और हर्षद माता का मंदिर भी याद रखना है आभानेरी के अंदर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है भाई, क्वेश्चन नंबर 10, दिख तो रहा है ना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1967, 68, 69 या 66, फटाफट बताइए। बिल्कुल बिल्कुल दोसा 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 दोसा, बिल्कुल राइट है सभी के, इसका आंसर दे दीजिए। मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, फटाफट बताइए। और बाकी आप जानते ही हैं मरु विकास बोर्ड है कहां पर, मरु विकास बोर्ड कहां पर है तो याद रखना जोधपुर। इसकी स्थापना कब है तो याद रखना 1966। एक आपको पूछा जाए कि मरु महोत्सव कहां पर है तो याद रखना मरु महोत्सव है, ये आपके कहां पर है तो जैसलमेर में। मरु महोत्सव तो कहां पर है, जैसलमेर के अंदर, मरु विकास बोर्ड याद रखना जोधपुर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश शाबाश, 1966। और ये एक मरु महोत्सव याद रखना है जैसलमेर के अंदर है। महोत्सव जितने भी है ना वो सारे के सारे याद रखने हैं, जैसे देखिए कौन कौन से महोत्सव, थोड़ी सी झलक दिखा देता हूं ताकि रिप्रेस होता रहे। बीकानेर में कौन सा महोत्सव है तो याद रखना ऊंट महोत्सव। जैसलमेर के अंदर कौन सा है, मरु महोत्सव। बाड़मेर के अंदर कौन सा है, थार महोत्सव, और साथ में कौन सा है बलून महोत्सव। याद आ रहा है कुछ। सिरोही के अंदर कौन कौन से हैं, शीत महोत्सव, और यहाँ पर ही क्या है गर्शी महोत्सव। चित्तौड़गढ़ के अंदर याद आ रहे हैं आपको मीरा महोत्सव है। कोटा के अंदर आपको पता हो तो दशहरा उत्सव है, दशहरा उत्सव। भरतपुर के अंदर है तो ब्रिज महोत्सव है। इधर उदयपुर, सॉरी अपने बात करेंगे जयपुर की तो यहाँ पर हाथी महोत्सव है। जोधपुर की बात करेंगे तो मांड महोत्सव है, ये पिछली बार पुलिस में पूछा गया, तो ये भी आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है 11। बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। बीकानेर का पहला ऐसा कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए बात वैसे नागौर दरबार की है, आपको याद आ गया होगा। नागौर दरबार लगा था 1570 में, किसने लगाया था तो अकबर ने। किसकी सहायता से लगाया था तो याद रखना भारमल की सहायता से। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था जितने भी राजपूत शासक हैं उनको अपने नियंत्रण में करना, और इसी के तहत किसका निर्माण हुआ था तो याद रखना शुक्र तालाब का। सुक्कर तालाब कहाँ पर बनाया गया था? तो याद रखना नागौर के अंदर, क्योंकि ये दरबार ही लगा था शुक्रवार को। इसी नागौर दरबार के अंदर बीकानेर का शासक आया था जिसका नाम क्या था? याद रखना कल्याणमल। ये कल्याणमल व्यक्ति है ना, ये बड़ा खतरनाक आदमी था। खतरनाक कैसे था? इसका नाम कल्याणमल है तो ये अपना ही कल्याण किया करता था। कैसे? जैसे जिस समय दिल्ली के अंदर शेरशाह सूरी प्रमुख और शक्तिशाली शासक था, उस समय तो ये उसके पास में गया था कल्याणमल। और जैसे ही अकबर बना तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली किसने? इसी कल्याणमल ने। और कल्याणमल अपने दोनों पुत्रों के साथ में गया था। एक का पुत्र राय सिंह नाम है, और अकबर को राय सिंह इतना पसंद आया कि अकबर इसको आगरा लेकर चला गया, और आगे चलकर यही राय सिंह है मारवाड़ यानी मेहरानगढ़ का सूबेदार बना। और दूसरा पुत्र कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। और इसी पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने गागरोन की जागीर दी थी, वहीं पर बैठकर पृथ्वीराज राठौड़ ने वेल्ली की संरुक्मणि की रचना की थी, जिसे दूरसा अड्डा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने इसी वेल्ली किशन रुक्मणी की जो पुस्तक है इसे 10,000 घोड़ों का बल कहा था। इसी पुस्तक की वजह से पृथ्वीराज राठौड़ को LP टेसीटोरी ने क्या कहा था? डिंगल का हेरोश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अभी चर्चा की है मैंने, अभी एक और नाम लिखा था। मैंने कहा था याद रखना चांद बावड़ी भी वही है और वहां पर हर्षद माता का मंदिर बनता है। और अगला क्वेश्चन सेम यही आ गया, मतलब इस पेपर वाले के तो मौज हो गई भाई। सेम 2 क्वेश्चन डिटो। हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी किस जिले में है, ये दोनों ही किस स्थान पर है, ये भी पूछा जाए तो याद रखना आभानेरी, अभी चर्चा की थी। और आभानेरी कहाँ पर है? तो याद रखना दोसा। यहाँ पर चांद बावड़ी भी है और हर्षद माता का मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। रिपीटेड क्वेश्चन, इसी पेपर में सेम डिटो क्वेश्चन 2 बार, पिछली बार पूछा था चांद बावड़ी और इस बार ये हर्षद माता का। ये हर्षद माता है और अभी हमने बता दिया कि एक तो हर्ष है, ये हर्ष चौहानों के कुलदेवता है जिनका मंदिर बना है सिक्कर के अंदर, जहां पर इनकी बहन झीण माता का भी है। शाबाश, बिल्कुल दोसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? बताइए भाई, राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य। इसका आंसर हिंदी शब्दों की बजाय इंग्लिश वर्ड आपको आसानी से पता चल सकता है। पेपर किसका है? ये के है कनिष्ठ अभियंता का, जो अभी हुआ था 13 दिसंबर 2020 को। इसका आंसर बताइए भाई, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? हिंदी के बजाय इंग्लिश के वर्डों को आप पकड़िए, इसका आंसर आराम से दे पाएंगे। भूपेश बी, अच्छा रौनक, शाबाश शाबाश, चेरेवती चेरेवती, बिल्कुल। राजस्थान के परिवहन विभाग का जो आदर्श वाक्य है, हिंदी की बजाय इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो मूव ऑन होता है, मतलब आगे बढ़ो। मतलब क्या होता है? आगे बढ़ो, यह होता है आदर्श वाक्य। और नाम है चेरेवती चेरेवती, मूव ऑन मतलब आगे बढ़ो। बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल शाबाश शाबाश, पी इज करेक्ट आंसर, मूव ऑन आगे बढ़ो। ये क्या है? राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। इजी क्वेश्चन है, नदियों से क्वेश्चन आया है तो मेरे हिसाब से गलत होना ही नहीं चाहिए आपके। तो निम्न में से जमई नदी किस नदी की सहायक नदी है? अब इससे इजी तो क्या पूछेगा बेचारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा कोई नहीं। चलिए बताइए, जमई नदी किस नदी की सहायक नदी है भाई? जमई नदी पर स्थित है जमई बांध। याद आ रहा है? जमई नदी की सहायक नदी है मेंथई नदी। इसी मेंथई नदी के किनारे बसा है रणकपुर का जैन मंदिर। और रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ पर है? पाली के अंदर। जमई बांध कहाँ पर है? पाली के अंदर। जमई नदी उद्गम कहाँ से होती है? पाली से। शाबाश शाबाश शाबाश। लूणी की सहायक नदी है, क्योंकि इसके अलावा लूणी की सहायक नदी आप जानते होंगे लीलड़ी, मीठड़ी, टुकड़ी, पांडी, जोजड़ी, जमई, गुहिया और सागी, ये सारी किसकी है? लूणी की ही सहायक नदी है। हाँ बिल्कुल दिनेश राठौड़ आगे, बिल्कुल बिल्कुल। जमई बांध सुमेरपुर पाली पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, इसीलिए कहा गया है मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर निर्माण करवाया था किसने? उमेश सिंह ने, इसीलिए उमेश सिंह को कहा जाता है मारवाड़ का भागीरथ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। और देखिए वही क्वेश्चन जिसके बारे में हमने एक बार नहीं, आज 8वां पेपर है, 8 बार चर्चा की है, आज 8वीं बार चर्चा कर रहे हैं, मतलब इस पे तो आप स्टार लगा लीजिए, हमेशा पूछा गया है। राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय भेड़ वे ऊन अनुसंधान अवस्थित है? बताइए, केंद्रीय भेड़ वे ऊन अनुसंधान संस्थान सांगानेर जयपुर, पोखरण जैसलमेर, पुष्कर अजमेर या अवी का नगर टोंक। इससे इजी कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता भाई आपके लिए, कितनी बार रिपीटेड हुआ है। बिल्कुल शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल इसका तो कोई चांस ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सभी के शानदार, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, अवी का नगर टोंक भेड़। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? अवी का नगर टोंक। और यदि आपको पूछा जाए केंद्रीय पीजीए मसाला अनुसंधान तो याद रखना कहां पर है, ये है आपके तबीजी, और तबीजी कहां पर होता है तो याद रखना अजमेर। इसके अलावा एक फैक्ट और ये भी याद रखना है, कौन सा याद रखना है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान तो ये कहां पर है तो याद रखना शेवर भरतपुर में, ये कहां पर है? शेवर भरतपुर के अंदर। इसके अलावा याद रखना है राष्ट्रीय बागवानी संस्थान, ये कहां पर है? बीकानेर के अंदर। इसके अलावा आपको पूछा जाए केंद्रीय खजूर व बेर अनुसंधान तो भी कहां पर होगा? बीकानेर। बिल्कुल शाबाश, ये कुछ संस्थाएं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, बीकानेरी नरमा व मालवी किसकी किस्में हैं भाई? बताइए, बीकानेरी नरमा व मालवी किसकी किस्में हैं? गेहूं की, कपास की, मक्का की या फिर मूंगफली की? फटाफट बता दीजिए, और इजी है भाई, एक शब्द यदि आपने पकड़ लिया है तो बहुत इजी है ये। बीकानेरी नरमा एवं मालवी किसकी किस्म है? गेहूं की, कपास की, मक्का की या फिर मूंगफली की? बताइए फटाफट। अरे शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल एक शब्द आपने पकड़ा है, कौन सा? नरमा पकड़ा होगा। बीकानेरी इकानेरी का पता नहीं, नरमा आपने शब्द पकड़ा है तो आप सभी जानते हैं कहां पर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कपास। एक चीज और याद रखना, आपको पूछा जाए अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास का उत्पादन कहां पर होता है तो याद रखना हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ वे गंगानगर। एक याद रखना पूछा ये भी गया है कि कपास को राज्य के दक्षिण भाग में किस नाम से जाना जाता है तो याद रखना बीनिया बोलते हैं। वैसे क्या बोलते हैं? बीनिया। क्या करें, गांव में अब बीनिया की तीग हुई तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर कपास को क्या बोला जाता है? बीनिया। ठीक है, और मक्का की भी याद रखना भाई, दो बड़ी प्रसिद्ध है, कौन कौन सी? एक तो है याद रखना माही धवल और एक है माही कंचन मक्का के लिए। और मक्का के लिए मिट्टी भी पूछे तो याद रखना लाल मृदा, लाल मृदा के अंदर मक्का होती है। और दो किस्में याद रखना माही धवल व माही कंचन। एक माही सुगंधा याद रखना भाई, ये माही सुगंधा किसकी है? ये भी बड़ी प्रसिद्ध है। तो याद रखना माही सुगंधा होती है आपके किसकी, याद रखना ये चावल की है, ये कहाँ की है, चावल की, ठीक है। और माही सुगंधा कौन से जिले में होती है, तो याद रखना बांसवाड़ा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल शाही, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल शाबाश। ये सारी बातें आप याद रखेंगे। चलिए ये सारे फैक्ट पूछ रखे हैं इसीलिए चर्चा। और क्वेश्चन नंबर 17 भाई इससे इजी तो क्या पूछेगा आपको, सीधा सीधा पूछ रहा है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। साथियों बात वही है, राजस्थान 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर बंटा हुआ है। आप कहेंगे हाँ सर ये तो है पठार, यहाँ पर है आपके क्या मैदान, यहाँ पर है आपके अरावली, और यहाँ पर क्या है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यही तो है 4 भाग है। और इसके अंदर सबसे बड़ा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है जिसका 61.11, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11 है पश्चिमी मरुस्थल। अरावली है आपके 9.3%, कितनी 9.3%, मैदान है आपके 23.3%, जबकि पठार है आपके 6.29। यहाँ पर जनसंख्या भी पूछी जाए तो पश्चिमी मरुस्थल के अंदर 40%, अरावली के अंदर याद रखना 10%, मैदान के अंदर याद रखना 39%, जबकि पठार के अंदर 11% क्या है जनसंख्या। आपको मरुस्थल के प्रमुख जिले पूछे जाए तो याद रखना 12 है, अरावली के मुख्य जिले पूछे तो 7 है, मैदान के अंदर जिले पूछे तो 10 है, और पठार के अंदर तो कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़ 4 है। यहाँ पश्चिमी मरुस्थल के अंदर आपको मर्दा पूछे तो याद रखना रेतीली है, अरावली के अंदर पूछे तो साथियों याद रखना है पर्वतीय मिट्टी है, मैदान के अंदर पूछे तो याद रखना जलोढ़ मिट्टी है, और पठार के अंदर आपको पूछे तो याद रखना काली मिट्टी है। यहाँ पर यदि आपको जलवायु पूछे तो पठार में तो अति आर्द्र जलवायु है, मैदान के अंदर आर्द्र जलवायु है, अरावली के अंदर उप आर्द्र जलवायु है, और पश्चिमी मरुस्थल के अंदर शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। पूछा जाए इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है तो याद रखना अरावली है, सबसे नवीन पूछा जाए तो मरुस्थल है। इसके अंदर आपको पूछा जाए कि गोंडवाना लैंड के अवशेष कौन कौन से हैं तो याद रखना अरावली और पठार, तो मैदान तो नदियों से निर्मित है, और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 33 सागर का अवशेष है। ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी उत्पत्ति तो हुई है आपके किसमें, तो याद रखना उत्तर प्लेस्टोसीन युग में। अरावली की उत्पत्ति हुई है प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर, ये जो मैदान है इसकी उत्पत्ति हुई है प्रारंभिक प्लेस्टोसीन में, जबकि पठार की उत्पत्ति हुई है क्रिटेशियस युग में। क्लियर, ये सारी बातें याद रखेंगे, यही तो पूछता है, बाकी कोई पूछता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने पूछा गया है वाल्रा पद्धति जो कि पर्यावरण अवनयन का एक कारण है, ये किसका प्रकार है। बहुत इजी क्वेश्चन है। वाल्रा क्या है, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, जंगली जानवर या चिकित्सक उपचार। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल शाबाश शाबाश, हाँ वाल्रा। देखिए आपने नाम सुना होगा कभी, स्थानांतरित कृषि, नाम सुना है क्या, स्थानांतरित कृषि, नाम सुना होगा आपने जूमिंग कृषि। ये क्या होता है तो आप कहेंगे वनों को काट काट कर, वनों को काट काट कर स्थान बदल बदल कर जो कृषि की जाती है उसे स्थानांतरण और जूमिंग कृषि कहते हैं, और इसे ही आदिवासी क्षेत्रों के अंदर किस नाम से जाना जाता है तो वाल्रा कहा जाता है, वात्रा कहा जाता है, और भील तो इसे चीमाता कहते हैं। मतलब ये किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है, और ऑप्शन नंबर याद रखेंगे कौन सा होगा। बिल्कुल शाबाश, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर याद रखना। तो स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कृषि, चीमाता, वात्रा और वाल्रा ये सारे के सारे किससे संबंधित हैं, कृषि से संबंधित हैं। ये कृषि क्या होती है तो आप सभी जानते हैं आदिवासी क्षेत्र के लोग वनों को काटकर स्थान बदल बदल कर जो कृषि करते हैं उसे ही स्थानांतरित या फिर झूमिंग कृषि कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। अब इससे इजीबी बेचारा क्या पूछेगा कि निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है? प्रधान मध्य रेखा, मकर रेखा, करक रेखा और विश्वत रेखा। इससे इजी तो आपको क्या पूछेगा, मतलब इससे इजी तो क्या पूछेगा भाई, फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, ठीक, अच्छा अब आंसर गलत नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सही है। बिल्कुल, शाबाश शाबाश शाबाश। देखिए ये रहा अपने राजस्थान का मैप, ठीक है। यहां से एक रेखा गुजरती है और इसी रेखा का नाम क्या होता है, तो याद रखना कर्क रेखा। अब कर्क रेखा से कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लीजिए आप फटाफट। कर्क रेखा, वैसे कर्क रेखा का ही दूसरा नाम क्या है याद रखना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भी ऑप्शन में दे सकता है कर्क रेखा के नाम की जगह। पूछा जाए पहला क्वेश्चन, कर्क रेखा राजस्थान के याद रखना राज्य के दक्षिण भाग से, राज्य के दक्षिण भाग से गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन याद रखना आपको ये भी पूछ सकता है कि कर्क रेखा के किस दिशा में सर्वाधिक राजस्थान है, तो देखिए ये कर्क रेखा है और सर्वाधिक राजस्थान किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। कर्क रेखा के उत्तर दिशा में सर्वाधिक राजस्थान है। पूछा ये भी जा सकता है कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, तो याद रखना 2 जिलों से। कितने जिलों से? 2। कौन कौन से 2 जिले हैं, तो याद रखना साथियों एक तो है आपके बांसवाड़ा और दूसरा कौन सा है, तो याद रखना डूंगरपुर। एक बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर। बांसवाड़ा के तो मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर का केवल एक चिखली या चकली गांव है दक्षिणी भाग, वहां से गुजरती है। तो आपको पूछा जाए राज्य में सर्वाधिक कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है, तो बांसवाड़ा से। और एक बात याद रखना, जो स्थान कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है वहीं पर सूर्य की किरण है वो सीधी गिरती है, इसलिए आपने देखा होगा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से राजस्थान का वह जिला जहां पर सूर्य की सीधापन होता है, बांसवाड़ा, और तीर्थापन कहां पर होता है, गंगानगर। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बिल्कुल शाबाश शाबाश, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कर्क रेखा। ये भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा, बताइए। और अब तो क्या पूछेगा बेचारा, राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर पिशलपुर बांध अवस्थित है? बनास, कालीसिंध, बाणगंगा और जमई। इजी क्वेश्चन, फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। बहुत चिंटू क्वेश्चन आ गया है। फटाफट बताइए भाई। हाँ बिल्कुल, सीधापन बांसवाड़ा में है और तीर्थापन गंगानगर में है, बिल्कुल सही है। हाँ मनीषा विष्णु, बिल्कुल नमस्कार जी। बिल्कुल, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार पार करती है, काटती है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी प्रकार आपको किसी क्वेश्चन से संबंधित यदि आपको 5 फैक्ट आ रहे हैं तो मान के चलिए जीके आपके कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बिशलपुर बांध अवस्थित है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शाबाश शाबाश शाबाश। देखिए बिशलपुर बांध, सबसे पहली बात तो याद रखना बिशलपुर बांध है टोंक जिले में। कहाँ पर है? टोंक के अंदर। कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर। इसी बांध से परियोजना है जिसका नाम क्या है, बिशलपुर परियोजना, याद रखना। ये भी बिशलपुर परियोजना की एक विशेषता याद रखना, राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है ये, राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। और याद रखना बिशलपुर परियोजना से 3 जिलों को पानी जाता है। कौन कौन से हैं? अजमेर, जयपुर और टोंक। ये पूरी कहानी है बिसलपुर बांध और बिसलपुर परियोजना जो बनास नदी पर है टोंक जिले में। और याद रखना बिसलपुर परियोजना राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बनास। बिल्कुल, शाबाश शाबाश शाबाश। बनास जिसे वन की आशा कहा जाता है, बनास का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है, राजसमंद से चलती है चित्तौड़, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, और टोंक के बाद में ये सवाई माधोपुर के अंदर विलय हो जाती है किसमें, चंबल नदी में। जहां पर बनास चंबल में विलय होती है वहीं पर एक नदी और आती है जिसका नाम है शीप। चंबल, बनास और शीप, रामेश्वर, सवाई माधोपुर के अंदर क्या बनता है, त्रिवेणी संगम। बिल्कुल शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी खाली जगह कौन सी प्रणाली है। मतलब जयपुर मेट्रो जो लाई गई थी वो प्रणाली भारत की ऐसी कौन सी प्रणाली है, बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सभी के शाबाश। इसका बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 21, जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की कौन सी प्रणाली है। पहली दिल्ली मेट्रो उसी क्रम के अंदर, हाँ बिल्कुल, बनास नदी 480 है, बिल्कुल, पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है और वैसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। बिल्कुल शाबाश। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली, बिल्कुल बिल्कुल शाबाश शाबाश शाबाश। संध्या, अर्पित, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, छठी प्रणाली है। इससे पहले 5 कहीं और पर मेट्रो रेल प्रणाली और अपने यहां पर 6 नंबर पर आई थी राजस्थान में जयपुर मेट्रो, ठीक है। हाँ अच्छा, जाहिल से बिल्कुल, मनीराम प्रजापति से बिल्कुल, नमस्कार जी नमस्कार जी, बिल्कुल काफी दिनों के बाद में आप दिखे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और मैंने आपको स्पष्ट करके नोट करके ये चीज बताई थी कि ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है आपको कि इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा मनीषा जी, अच्छा धन्यवाद आपका। अच्छा लक्की क्लासेज, आई एम न्यू स्टूडेंट, बिल्कुल जी स्वागत है। चैनल को आप में से जो भी नए हैं वो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। चलिए बताइए, इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई। साथियों मुझे याद आ रहा है मैंने ऐसा ही मैप बनाया था और मैंने यहाँ से एक परियोजनाएं लिखाई थी कुछ, जैसे जैसे मैंने आपको सबसे पहले यहाँ से लिखाई थी झालावाड़ से, झालावाड़ से कौन कौन सी परियोजना लिखाई थी याद रख लीजिए पूरी। पूछता है टोली परियोजना, थापी परियोजना, गागरीन परियोजना, याद आई, भीमसागर परियोजना, ये सारी की सारी कहाँ पर है, झालावाड़ में। फिर हमने यहाँ पर बात की थी 12 से, 12 के अंदर हमने देखी थी लहासी परियोजना, पेंथली परियोजना और परवन परियोजना, ठीक है। उसके बाद में हमने फिर कोटा से देखी थी, कौन कौन सी, कोटा से देखी थी तकली परियोजना, आलनिया परियोजना, सावन भादो परियोजना। फिर हमने बूंदी से देखी थी कौन सी, तो बूंदी से देखी थी चाकण परियोजना, गुड्डा परियोजना, घरदड़ा परियोजना, और इसी के तहत सवाई माधोपुर के अंदर एक परियोजना देखी थी जिसका नाम था इंदिरा गांधी लिफ्ट। मैंने कहा था इंदिरा गांधी नहर अलग है, इंदिरा गांधी नहर अलग है, इंदिरा गांधी लिफ्ट जब आ जाए तो याद रखना इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई जो परियोजना है ये चंबल नदी पर है भाई। ये किस नदी पर है, चंबल नदी पर। बाकी वो अलग है आईजीएनपी जो सतलज और व्यास पर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यहाँ पर इंदिरा लिफ्ट सिंचाई है, ये चंबल नदी पर है और कौन से जिले के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर। बिल्कुल सभी के राइट है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सभी के शानदार। तो ये सारी बात याद रखेंगे, झालावाड़ के अंदर चोली, छापी, गागरीन, भीमसागर, यहाँ तकली, आलनिया और सावन भादो, यहाँ पर 12 लेहासी, बेथली और परवन, यहाँ पर चाकण, गुड्डा, गरदड़ा बूंदी में, और यहाँ पर सवाई माधोपुर में कौन सी, इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना चंबल नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर है आपके बलवत विलास की रचना किसने की थी? बलवत विलास। बलवत विलास की रचना किसने की थी? बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। बलवत विलास। अच्छा मनीराम पर जाओ, अच्छा धन्यवाद धन्यवाद। लक्की क्लासेस, अच्छा धन्यवाद आपको मनीराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिल जाएंगे यही है। चलिए देखिए, चलिए कर्नल जेम्स स्टुअर्ट से ही बात उठाते हैं। कर्नल जेम्स स्टुअर्ट की यदि कोई पुस्तक आपको पूछेगा तो वो पूछ सकता है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक किसकी है तो याद रखेंगे कर्नल जेम्स स्टुअर्ट की। कब लिखी थी तो याद रखना 1829। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसी के अंदर अपने राजस्थान के तीन नाम मिलते हैं, रजवाड़ा, रायथन और राजस्थान। इंपॉर्टेंट यह है, इसीलिए कर्नल जेम्स स्टुअर्ट को राजस्थान इतिहास का पिता कहा गया। दूसरा है मुणोत नैणसी। मुणोत नैणसी की दो पुस्तकें याद रखेंगे, एक तो याद रखेंगे नैणशिरी ख्यात, और नैणशिरी ख्यात राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है और इसके अंदर भी अपने प्रदेश का नाम मिला है राजस्थान। दूसरी मुणोत नैणसी की पुस्तक है वो है याद रखना मारवाड़रा परगनारी विगत। मारवाड़रा परगनारी विगत आप सभी जानते हैं, मारवाड़रा परगनारी जो विगत है इसे कहा गया है राजस्थान का गजेटियर, और गजेटियर लिखा था अर्शकीन ने। ये वही पुस्तक है, ये वही ग्रंथ है जिसके अंदर सबसे पहले जनगणना की गई थी, इसीलिए मुणोत नैणसी को कहा जाता है राजस्थान में जनगणना का अग्रज। क्या कहा गया है? जनगणना का अग्रज। और वैसे आप जानते होंगे मुणोत नैणसी वही व्यक्ति है जिसे कहा गया है राजस्थान का अबुल फजल, और कहने वाले कौन थे तो याद रखना मुंशी देवी प्रसाद। कहने वाले कौन थे? मुंशी देवी प्रसाद। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर सी में है दयालदास। याद रखना साथियों, ये जो दयालदास है इसकी एक ही पुस्तक है और वो है दयालदासरी ख्यात। ये जो दयालदासरी ख्यात है इसके अंदर हमें किसका इतिहास मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, बीकानेर के राठौड़ों का। इसका मिलता है बीकानेर के राठौड़ों का। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कनिष्ठ अभियंता के अंदर कि इसी दयालदास को संरक्षण देने वाले शासक कौन थे, तो याद रखना दयालदास को संरक्षण दिया था और वो दिया था रतन सिंह ने। ये रतन सिंह कौन है तो याद रखना बीकानेर के शासक, सूरत सिंह के बाद में बने थे रतन सिंह। और डी ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण। ये जो बलवंत विलास की रचना है ये सूर्यमल मिश्रण द्वारा ही की गई है। सूर्यमल मिश्रण आप जानते हैं इन्हें कहा गया है राज्य कवि। क्या कहा गया है? राज्य कवि। सूर्यमल मिश्रण वही व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 1857 का जो संग्राम है वो अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए सूर्यमल मिश्रण ने एक वाक्य भी शायद आपने सुना होगा कि जब मेघ मोहसन की हत्या करके जब आवा के दुर्ग बाहर टांग दिया गया था ना, तब इसी सूर्यमल मिश्रण ने कुछ पंक्तियां लिखी थी। कौन सी? के ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, और एक एजेंट ने मारर आवा के किले टांकियो। ये बात सूर्यमल मिश्रण की है, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? राज्य कवि। 1857 का संग्राम इन्होंने ही देखा था। इसके अलावा दो पुस्तकें और याद रखना है, एक तो याद रखना है वंश भास्कर, इसी की रचना है, और दूसरी बात याद रखेंगे कौन सी? वीर शतसई, वो भी किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की। तो ये सारी बातें एग्जाम के अंदर पूछी गई है, एक एक बात एग्जाम के अंदर पूछी गई है, और याद रखना आपके एग्जाम में ये रामबाण साबित होगी, चाहे वो नैणशिरी ख्यात, मारवाड़ परगनारी विगत, राजस्थान का अबुल फजल और राजस्थान में जनगणना। हाँ, मुणोत नैणसी की एक बात और याद रखना पूछी गई है, भाई ये किस शासक के दीवान हुआ करते थे तो याद रखना मारवाड़ के शासक जिनका नाम है जसवंत सिंह फर्स्ट। ये जसवंत सिंह फर्स्ट के दीवान हुआ करते थे भाई, कौन? मुणोत नैणसी। और मुणोत नैणसी का संबंध जोधपुर जिले से है, ये भी आप याद रखना। इधर टोट तो आप जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सुमित्रा सिंह, विद्या पाठक, उज्ज्वला अरोड़ा या कमला बेनीवाल? फटाफट इसका आंसर बताइए। और बाकी इसके अलावा और क्या पूछ सकता है महिलाओं से? देखिए राजस्थान में फर्स्ट महिला सीएम तो आप जानते हैं वसुंधरा राजे, इसको तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको पूछा जाए राजस्थान में फर्स्ट महिला राज्यपाल तो याद रखेंगे क्या? प्रतिभा पाटिल। क्या याद रखेंगे? प्रतिभा पाटिल। आपको पूछा जाए राजस्थान में फर्स्ट महिला मंत्री तो आप बताएंगे कमला बेनीवाल। कौन है? कमला बेनीवाल। आपको पूछा यहां पर क्या है? राजस्थान की फर्स्ट महिला विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष तो याद रखना सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह। चार फैक्ट हैं, चारों ही बड़े इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राज्यपाल प्रतिभा पाटिल और अपने भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी प्रतिभा पाटिल है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आप जानते ही हैं इंदिरा गांधी। बिल्कुल शाबाश शाबाश, सुमित्रा सिंह। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल सभी के भाई बहुत ही शानदार राइट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल चलिए साथियों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन डाबी में शहीद हुआ था? डाबी, रूपा जी, कालीबाई, नानक भील या नैनूराम? बताइए फटाफट। डाबी हत्याकांड, हाँ जी बिल्कुल उसका राइट है। बिल्कुल इसका बताइए फटाफट। डाबी हत्याकांड, डाबी हत्याकांड इकराम हुसैन ने गोलियां चलाई थी, इतना आपको हिंट दे देता हूं। बीएसटीसी, आप बीएसटीसी पर ध्यान देंगे। बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। देखिए ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे देखिए डाबी हत्याकांड आप सभी, डाबी स्थान कहां पर है तो याद रखेंगे बूंदी में। कहां पर है? बूंदी के अंदर। अब ये रूपा जी और करपा जी का जब नाम आए ना, रूपा जी और करपा जी, तो इनका संबंध तो याद रखना कहां से है? इनका संबंध तो बेंगू किसान आंदोलन से है। कहां से है? बेंगू किसान आंदोलन के तहत शहीद हो गए थे ट्रेच के गोलियां चलाने पर रूपा जी और करपा जी। कालीबाई का संबंध आप सभी जानते हैं, इनका संबंध है रास्तापाल घटना से। किससे है? रास्तापाल हत्याकांड से। वहां पर अपने एक शिक्षक शेंगा भाई को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी वीर बालिका कालीबाई, जिसे राजस्थान में कहा जाता है साक्षरता की देवी। याद रखना क्या कहा जाता है? साक्षरता की देवी। नैनूराम जब नाम आए तो याद रखना बूंदी जो किसान आंदोलन है इसके नेतृत्व करता थे ये। और यहां पर डाबी के अंदर घायल होने वाले कौन थे? याद रखना नानक भील। और याद रखना नानक भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। कौन सा गीत? झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। लेकिन नानक भील की याद में याद रखना माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा था। कौन सा लिखा था? अर्जी। बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल, नानक भील और देवा गिज्जर। बिल्कुल अर्पित, शाबाश। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है भाई, डाबी। बिल्कुल शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। और देखिए अच्छा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या आया है? क्वेश्चन आया है विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है भाई? फटाफट बताइए। हाँ बिल्कुल उसका सही है, बिल्कुल नानक भील, नानक भील। शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल। अब बताइए शीतला अष्टमी कब आती है? वैसे शीतला माता की तो हमने बात कर ही रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। शीतला माता जिनका मंदिर चाक्षु जयपुर के अंदर बना है, शीतला माता जिसे चेचक की देवी कहा जाता है, ये भी आप जानते हैं। शीतला माता एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। खंडित मूर्ति क्यों है तो हमने ये भी चर्चा कर रखी है, और आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा कि मारवाड़ के एक शासक थे जिनका नाम था विजय सिंह। विजय सिंह के एक पुत्र था जिसका नाम था सरदार सिंह। कहते हैं विजय सिंह के पुत्र सरदार सिंह की चेचक की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी, इसीलिए विजय सिंह ने इस मूर्ति को पहाड़ से नीचे फेंक दिया था, इसीलिए खंडित हो गई थी। आज भी ये खंडित मूर्ति के रूप में पूजी जाती है शीतला माता, जिसका वाहन होता है याद रखना गद्दा, और इनका जो पुजारी होता है वो होता है आपके कौन सा कुम्हार। शीतला माता शीतला अष्टमी किस दिन आती है? बिल्कुल शाबाश, याद रखना चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही क्या आती है? शीतला अष्टमी। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही एक नृत्य होता है जिसका नाम क्या होता है? याद रखना घुड़ला नृत्य। कौन सा होता है? घुड़ला नृत्य, जो मारवाड़ का लोक नृत्य कहलाता है। मारवाड़ मतलब जोधपुर का है प्रोपरी घुड़ला नृत्य, आप जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आप जानते हैं। घुड़ला नृत्य छिद्रित मटके में जो दीपक रखकर नृत्य किया जाता है वही तो घुड़ला नृत्य है। वैसे घुड़ला नृत्य की अगर बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि मारवाड़ के शासक थे सातल देव। उस समय अजमेर का हुआ करता था मल्लू खां, उसका सेनापति था घुड़ले खां। वो यहाँ आता है और अपने जोधपुर के पिंपाड़ शहर से कुछ कुंवारी कन्याओं को उठाकर लेकर चला जाता है। उन्हें बचाने जाता है सातलदेव। सातलदेव घुड़ले खां की हत्या कर देता है, लेकिन स्वयं भी वीर गति को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में घुड़ले खां का जो छिद्रित सर है वो मारवाड़ लाया जाता है, जहां पर कुंवारी कन्याओं द्वारा पूरे मारवाड़ में घुमाया जाता है। आज भी उनकी याद में घुड़ला नृत्य का आयोजन भी चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है, जिस दिन क्या आती है? शीतला अष्टमी। और एक और बात बता देता हूँ, चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही मेला भरता है ऋषभदेव धुल्लेव उदयपुर के अंदर। बहुत सारी बातें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने पूछा गया है, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? ऐसी कौन सी बोली है जिस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? वैसे होना ही है, बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बता दीजिए। अच्छा ठीक, बिल्कुल बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल महिला शक्ति, हाँ बिल्कुल शाबाश शाबाश। संजय, रिंकू, मनीषा, सत्यवीर, नीलम, पूजा, अर्पित, भूपेश, दिनेश, सोनिया, शाबाश। बताइए, बिल्कुल शाबाश। वागड़ी कौन सी है? वागड़ी बिल्कुल। देखिए वैसे मैप के अंदर अगर आप क्षेत्र की भी बात करेंगे ना तो भी आइडिया हो जाता। कैसे हो जाता? देखिए इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल मैप के अनुसार सोल्व कर सकते हैं। कोई भाई जैसे माराती कोई हनियट के बिन की ठान नहीं है तो वो किया करी। देखो इस क्वेश्चन ने ढूंढाड़, ढूंढाड़ का मतलब तो आप समझ गए कहाँ पर है? जयपुर, वो तो यहाँ पर है, ठीक है। ब्रिज मतलब यूपी के साथ में है भरतपुर वाला, ये ब्रज क्षेत्र। ये कौन सा है? मेवाती, और यही है वहां पर हरियाणा के आसपास अलवर भरतपुर का क्षेत्र मेवात। एक है वागड़, ये रहा वागड़। वागड़ का मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और आप सभी जानते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये दोनों सीमा किसके साथ में लगाते हैं? गुजरात के साथ में। तो ऐसे भी याद रह जाता गुजराती भाषा वागड़ी। क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका यह है, यदि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है बोलियों के संबंध में तो मैप तो आपको आता ही है, ऐसे भी सोल्व हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है भाई, ढोला मारूरा दुआ का रचनाकार कौन था? ढोला मारू, पिट्टू, सुजा, कलोल, कृपाराम बारट या ईश्वरदास? ढोला मारू, ढोला नरवर का और मारू पुंगल की प्रेम कहानी है, और आज पता नहीं ढोला मारू क्या आ रहा है, ये बड़े अफसोस की बात है। और ढोला मारू से रिलेटेड एक फैक्ट और याद रख लीजिए, ये जो ढोला मारू है ना ये अपने राजस्थान के अंदर 1978 में पर्यटन लोगो हुआ करता था, याद रखना। अपने राजस्थान का सर्वप्रथम पर्यटन लोगो कोई था तो वो कौन सा था? ढोला मारू, जानते होंगे। ये ढोला मारू एक चित्रशैली है, ये ढोला मारू एक प्रेम कहानी है और यहाँ पर ढोला मारू रे दुए कौन हैं, तो याद रखना बिल्कुल। शाबाश शाबाश शाबाश। कवि कलोल ने इसकी रचना की है। इसने की है कवि कलोल। और वैसे भी याद रखना है कि ढोला मारू क्या था, 1978 में पर्यटन लोगो था। पर्यटन लोगो जानते हैं ना, देह वाक्य देते हैं। जैसे 78 के अंदर तो क्या था ढोला मारू, वापस 1993 में पधारो मारे देश, 2008 के अंदर कलरफुल राजस्थान, 2016 में जाने क्या दिख जाए, और वर्तमान का जो लोगो है वो भी क्या है 2019 में पधारो मारे देश। और ढोला मारू को देखकर बहुत सारे पर्यटक हमारे यहाँ पर आए थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल। ढोला नरवर का था और मारू पोंगल की थी। ठीक है, ये ढोला वो नहीं है कछा वंश वाला, कहीं पर आपने ये भी पढ़ा होगा, वो गलत है। ये ढोला अलग है, वो नरवर के अंदर जो दूल्हे राय है वो अलग है। इनका बचपन में विवाह होता है, फिर वापस मिलने आता है, ले जाता है। बहुत सारी कहानियां, अच्छी अच्छी बातें हैं यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, बडार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? बडार भोज मृत्यु के समय, विवाह के समय, उत्सवों के समय या जन्म के समय? बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रचित कहानी है, बिल्कुल डिंगल भाषा के अंदर रचित कहानी है, बिल्कुल शाबाश। बताइए 29 का क्या होगा। बिल्कुल शाबाश शाबाश शाबाश। पडार भोज क्या है भाई? पडार भोज ग्रेड वगैरह नहीं, बरात लेर जाएगा ना आपा दुल्हन को लेने के लिए, भी टाइम था जिमाया करे, बस वही क्या है पडार भोज है। वो विवाह के समय होता है, बाकी मृत्यु के समय मौसर हुआ है। पता है ना बडार का भोजन किस समय? दुल्हन को लेने चलते हैं वहां पर, जब आपको झिमन झिमावे, बस पहले बरात डेरा में ठहरावे, पठान झिमन बुलावे, बेटे हम जो झिमन बुलावे, वो बोई बडार को भोजन विवाह के समय होता है, शादी में। चलिए इस बार तो लॉकडाउन था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। राजस्थान में घंवरी देवी किस विद्या के लिए जानी जाती है? ख्याल, भोजपुरी, मांड या पंडवनी? इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। घंवरी बाई, देखिए वैसे आपको बता देता हूँ, अल्लाह जिला बाई नाम सुना है ना, अल्लाह जिला बाई जिनका संबंध बीकानेर से है। घंवरी बाई, इन दोनों का ही संबंध किससे है? याद रखना मांड, मांड गायिका से। ये दोनों ही क्या है मांड गायिका है, अल्लाह जिला बाई और घंवरी देवी। हाँ अच्छा अच्छा, शाबाश शाबाश शाबाश, मांड गायकी, बिल्कुल शाबाश। ऑप्शन नंबर बी भाई। अब तो 10 क्वेश्चन और है, ठीक है टाइम भी हो गया, कोई नहीं 10 क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। अब 31 तो क्या पूछेगा भाई, देखिए कितना इजी पूछा है बेचारे ने, आपका दिल रख लिया। किस दुर्ग में जयबाण तोप स्थित है? इनको क्वेश्चन आवे मतलब जी शोर हो जावे, चलो कहीं तो आवे, ऐसा होता है ना। हाँ बताइए, जयबाण तोप, जयगढ़, नाहरगढ़, शेरगढ़ या रणथंबोर? बताइए फटाफट। हाँ बिल्कुल घंवरी बाई, बिल्कुल वो भी है, सही है सही है, बिल्कुल सही है। देखिए जयबाण, सबसे पहली बात तो याद रखना ये जयबाण तोप है और ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। ऐसे भी पूछ सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी तोप तो याद रखना जयबाण तोप। इस जयबाण तोप का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना सवाई जयसिंह ने। पूछा यह भी जा सकता है कि सवाई जयसिंह ने जयबाण तोप का निर्माण क्यों कराया था? तो याद रखना मराठों को रोकने के लिए, मराठों को रोकने के लिए। और ये जो जेबान तोप है ये किस गढ़ में है, तो इसका नाम भी जय है, तो जयगढ़ में है। ये कहाँ पर है? जयगढ़। और जयगढ़ आप सभी जानते हैं कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। और ये भी याद रखना जयगढ़ है, इसे कहा गया है चिल्ही का टीला। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जा रहा है, चिल्ही का टीला किसे कहते हैं? जयगढ़ को। और बाकी इसके अलावा कोई तोप आपको पूछी जाएगी ना, तो वो इधर लिख रहा हूं मैं, शंभू बाण, गजनी, किलकिला, गजक, नुसरत, भवानी, कड़क बिजली, ये सारी की सारी कहाँ पर है? तो ये सारी की सारी बनी हुई है मेहरानगढ़ में। कहाँ पर है ये तो मेहरानगढ़ में है, जबकि वो कहाँ पर है? जयबाण तोप, ये जयगढ़ के अंदर है। जयबाण तोप से एक ही बार चलाई गई थी और सीधा गोला कहाँ जाकर गिरा था? चाकसू के अंदर। बिल्कुल अर्पित, बिल्कुल, बहुत ही शानदार, बिल्कुल ठीक है। तो ये बात रखेंगे आप तोपों से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, अब क्या पूछेगा भाई, अब क्या जान लोगे उसकी? क्या पूछा है बेचारे? नक्की झील कहाँ पर स्थित है? नक्की झील कहाँ पर स्थित है बताइए? उदयपुर, जोधपुर, माउंट आबू और अजमेर में नक्की झील। नक्की झील कहां पर है? सिरोही में, माउंट आबू में। निर्माण, देवताओं व ऋषियों ने नाखूनों से खोदकर राज्य की सबसे सर्वोच्च झील है, सबसे ऊंचाई पर, और राज्य की सबसे गहराई वाली झील भी यही है। राज्य की एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है, नक्की झील। गरासिया जनजाति की पवित्र झील है, याद रखना। गरासिया जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करती है नक्की झील में। इसी नक्की झील के किनारे अपने राजस्थान का सबसे बड़ा हनीमून पॉइंट है। इसी नक्की झील के किनारे एक तो ननरोक चट्टान है, नन का अर्थ होता है घूंघट निकाले हुए महिला, और एक है टोड रोक, एक है नंदी रोक, एक है आपके कपल रोक। ये सारी बातें किसकी है? नक्की झील की। और नक्की झील कहाँ पर है? तो याद रखना माउंट आबू, शिरोई। क्लियर? ये सारी बातें हैं, एग्जाम के अंदर पूछी गई है। बिल्कुल करेटर झील का एग्जाम्पल है, शाबाश, ज्वालामुखी से निर्मित। और कालडेरा का एग्जाम्पल है आपके कौन सी? पुष्कर। बिल्कुल शाबाश, क्या बात है भाई। बिल्कुल आप सभी को भी इतने रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब निश्चित रहिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भाई 33 नंबर क्वेश्चन, कितना आईजी पूछा। जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय आई थी? भाई फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जयपुर, और जयपुर में दो कला प्रसिद्ध, एक तो है ब्लू पोट्री, याद आ गई, और एक है आपके मीनाकारी। इन दोनों की एक ही बात है, ये दोनों ही लाहौर से आई है भाई। और दूसरी अच्छी बात क्या है, इन दोनों को लाने वाला ही कौन है? याद रखना मान सिंह प्रथम। जयपुर की प्रसिद्ध दो है। और एक बात और सुनिए, पल्लू पोट्री का तो प्रसिद्ध कलाकार कौन था? कृपाल सिंह शेखावत। और मीनाकारी का जो प्रसिद्ध कलाकार था उसका नाम है कुदरत सिंह। चार बातें हो गई है, चार बातें। पल्लू पोट्री मूलतः तो पर्शिया ईरान की है, लेकिन अपने यहाँ से मानसिंह लेकर आया था इनको लाहौर से। हाँ बिल्कुल, ब्लू पोट्री सबसे महंगी पोट्री है, इसीलिए इसे कहा जाता है रईस पोट्री, याद रखना। इसे क्या कहा जाता है? रईस पोट्री, क्योंकि ब्लैक पोट्री कोटा की है, आप जानते ही हैं, और सुनहरी पोट्री आप जानते हैं अलवर की है। हाँ जी बिल्कुल, शाबाश शाबाश, दोनों ही याद रखेंगे। लाहौर से लेकर आया था मानसिंह, मानसिंह प्रथम, ठीक है। दोनों अच्छे क्वेश्चन है, पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, बताइए। ठीक है, ठीक, कृपाल सिंह शेखावत, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश, सारी बातें याद है, बिल्कुल शाबाश। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपके सामने, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावटी, नागरचोल, राजावाटी या अहिरवाटी, बताइए। ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, कौन सी नहीं है भाई? अरे शाबाश अर्पित, अहिरवाटी। अर्पित बहुत ही शानदार मेहनत कर रहे हैं आप, बिल्कुल करते रहिए। कृपाल चोगना, ओमा सत्यवीर, बिल्कुल सभी कर रहे हैं भाई। ओमाराम, बिल्कुल शाबाश ओमाराम। दिनेश चौधरी, संध्या, पूजा, बिल्कुल शाबाश। अहिरवाटी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल शाबाश। बिल्कुल शाबाश शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल अहिरवाटी। चलिए बिल्कुल, चलिए टाइम भी हो गया, कोई नहीं, फटाफट देख लेते हैं, 6 क्वेश्चन और बचे हैं भाई। चलिए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए आप। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? लोक चित्रकला का अंग नहीं है। फड़, पणीठणी, पंथवारी या सांझी, बताइए फटाफट। निम्न में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? चित्रकला का अंग नहीं है, बताइए भाई। फड़, सांझी, बणीठणी या पंथवारी। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल सुधीर प्रताप, बिल्कुल लगातार चलता रहेगा जब तक कि पूरे पेपर सोल्व ना करा दो आपको। राजस्थान जी केवल, बताइए। लोक चित्रकला का अंग नहीं है, शाबाश 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 शाबाश। भी शाबाश शाबाश शाबाश, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है। अब एग्जामिनर ने तो फाइनल आंसर की निकाली थी उस समय, तो इसका आंसर माना था, और वो माना था, याद रखेंगे, बी बणीठणी। क्या माना था? बणीठणी। चित्रकला का अंग नहीं है। अब बणीठणी एक पेंटिंग तो है, चित्र तो है वो। इसमें पथवारी ऑप्शन है, वो होना चाहिए भाई, लेकिन पता नहीं फाइनल आंसर की निकाली तभी बणीठणी दिया, बाकी बणीठणी, फड़, सांझी। अब पंथवारी है, ये एक पंथवारी माता है जिसके गीत गाए जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई ये क्वेश्चन विवादास्पद रहा 35वें के अंदर। बाकी इसका राइट आंसर अगर हम मानेंगे तो पंथवारी ही होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बांधों और रंगों, पंथवारी माता, बिल्कुल चलिए कोई नहीं, 35वें का कुछ आंसर है, मैं आपको उसमें कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? फटाफट बताइए। हाँ, बांधों और रंगों, जी हाँ ठीक है ठीक है, बिल्कुल। देखिए बांधों और रंगों मतलब ये एक बंदेज कला है, आप जानते होंगे, बंदेज कला क्या होती है? बंदेज कला होती है कि अपनी मनपसंद डिजाइन प्राप्त करने के लिए कपड़े को बांधकर जो रंगने की कला है वही बंदेज कला है। और बंदेज कला कहाँ की प्रसिद्ध है? याद रखना जयपुर की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल शाबाश शाबाश। और बांधो और रंगो क्या है? बंदेज कला ही तो है। मतलब अपनी मनपसंद डिजाइन प्राप्त करने के लिए कपड़े को बांधकर जो रंगने की कला है ना वही बंदेज कला कहलाती। ऑप्शन नंबर डी। चलिए हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने और ये भाई करवा रखा है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसमें। 37 नंबर क्वेश्चन हमने कर रखा है, शायद झील जब पढ़ाई थी सांबर उस समय मैंने ये आपको थ्योरी के अंदर लिखा रखा है। किस वर्ष में सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? 1818, 1867, 1819 या 1817? बताइए 37वें के अंदर क्या होगा? हाँ बताइए फटाफट 37वां का आंसर क्या होगा। बिल्कुल। देखिए सांबर झील, सांबर झील के बारे में प्रसिद्ध क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं, एक तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार निर्माण पूछा जाता है, वासुदेव चौहान, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% भाग किससे होता है? सांबर से। सांबर का विस्तार 3 जिलों में है, जयपुर, अजमेर और नागौर। सांबर झील याद रखेंगे 1964 के अंदर यहाँ पर क्या स्थापित है? तो याद रखना HSL, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? नमक उत्पादित। बिल्कुल बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शाबाश शाबाश शाबाश। बिल्कुल 1869। 1869 यहाँ पर क्या है? ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था। अंग्रेजों ने यहाँ पर नमक म्यूजियम की स्थापना की थी, साल्ट म्यूजियम। याद रखना क्या स्थापित किया था? साल्ट म्यूजियम। सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान, देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7। और एक बात याद रखना, ये जो सांबर झील है ये रामसर साइट में शामिल है भाई, रामसर साइट के अंदर शामिल है। कब किया गया? तो 1990 के अंदर। और वर्तमान के अंदर यहाँ पर पक्षियों की मृत्यु हुई थी, उसके लिए ये चर्चा का विषय रहा था। कौन सी? सांबर झील। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछ रहा है? 1803 में अंग्रेजों के साथ में संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक कौन थे? आप सभी जानते हैं कि 1803 के अंदर 2 राज्य थे। कौन कौन से थे? तो याद रखना, एक तो सबसे पहले जो संधि करने वाली वो था भरतपुर, दूसरा अलवर, ठीक है। भरतपुर के शासक कौन थे? तो याद रखना रणजीत सिंह। और अलवर के शासक कौन थे? तो याद रखना बख्तावर सिंह। कौन थे? बख्तावर सिंह। और इसी बख्तावर सिंह और रणजीत सिंह ने 1803 में लॉर्ड डलहौजी के साथ में संधि की थी। इसके साथ में लॉर्ड डलहौजी। वो अलग संधियां हैं जो आपके दिमाग में करौली, कोटा और शिरोई आ रही है ना, वो है आपके सहायक संधियां। ये आपके कौन सी है? वो है आश्रित संधियां, सॉरी। और ये है लॉर्ड डलहौजी की 1803 में। तो सबसे पहले भरतपुर ने सितंबर 1803 में और अलवर ने नवंबर 1803 में। भरतपुर के शासक याद रखना रणजीत सिंह है और अलवर के शासक तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है आपके। बिल्कुल शाबाश। हाँ बिल्कुल एम बंसीवाल, बिल्कुल लाएंगे, उनके लिए भी लाएंगे, नो टेंशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन एकीकरण से रिलेटेड, क्योंकि दिख रहा है संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया था, उसका उद्घाटन किसने किया था? बताइए उसका उद्घाटन किसने किया था? देखिए पहला तो था मत्स्य संघ, दूसरा था पूर्वी राजस्थान संघ, तीसरा था संयुक्त राजस्थान संघ और चौथा कौन सा था? तो बृहत राजस्थान संघ। ये कब? ये है 18 मार्च 1948। दूसरा है वो है आपके 25 मार्च 1948। तीसरा है वो है 18 अप्रैल 1948 और ये है आपके 30 मार्च 1949 को। ठीक है। पहले का उद्घाटन करने वाले कौन थे तो याद रखना एनवी गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल। दूसरे के भी एनवी गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल। अब बताइए इसका क्या था, फटाफट इसका बता दीजिए क्या था। बिल्कुल शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल। बिल्कुल शाबाश 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 शाबाश। अरे कहाँ थे सरदार पटेल, ने इसका कहाँ किया। सरदार पटेल तो 4 नंबर में आए थे पटेल, यहाँ पर आए थे कौन, नेहरू जी। नेहरू जी आए थे, नेहरू जी बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी। पटेल साहब को कहाँ ला रहे हैं, वो तो 4 के अंदर आए थे जब 30 मार्च को एक दिवस मनाया गया था, कौन सा, राजस्थान दिवस। क्योंकि इसी दिन ऐसा लगा जैसे राजस्थान बन गया था, इसीलिए राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च 1949। राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, ये मिली थी, आप सभी जानते हैं ना, बीकानेर। हाँ, इसका राइट आंसर बी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल आपके सामने लिख रखे हैं चारों के, पहले के एनवी गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल, दूसरे के गोडगिल, तीसरे के नेहरू जी और नंबर 4 पटेल साहब। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 40 और अच्छा क्वेश्चन। जयपुर शहर का वास्तुकार और नगर नियोजक कौन था, फटाफट बता दीजिए। बहुत इजी, और इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता। जयपुर शहर देख लीजिए, जयपुर की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी तो 18 नवंबर 1727। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे जयपुर के, तो याद रखना सवाई जयसिंह। कौन थे, सवाई जयसिंह। जयपुर की नींव किसने रखी थी तो याद रखना पंडित जगन्नाथ ने। किसने लिखी थी, पंडित जगन्नाथ ने। और पूछा जाए इसके वास्तुकार तो याद रखना विद्याधर भट्टाचार्य। पूछा जाए जयपुर शहर के आधुनिक निर्माता तो याद रखना एमआई का मतलब मिर्जा इस्माइल है, यहां पर मिर्जा इस्माइल। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 के अंदर हुई, इस संस्थापक सवाई जयसिंह है, नींव पंडित जगन्नाथ ने रखी थी जयपुर की, वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य है, आधुनिक निर्माता मिर्जा इस्माइल है। और एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, पूछा जाए जयपुर शहर की स्थापना और इनके बारे में जानकारी देने वाला ग्रंथ कौन सा है, तो प्यारे साथियों याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है। जयपुर की स्थापना के बारे में जानकारी देने वाला जो ग्रंथ है उसका नाम याद रखना बुद्धिविलास। बुद्धिविलास ग्रंथ के अंदर ये संपूर्ण जानकारी मिली है कि स्थापना किसने की, कब की, क्यों की, तारीख सारी ठाक। और जयपुर को कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, गुलाबी नगरी, मतलब पिंक सिटी। पूछा जाए जयपुर को पिंक सिटी नाम किसने दिया था तो याद रखना एक अंग्रेज आया था जिसका नाम था स्टैनल रीड, इसी ने देखकर कहा था वाओ दिस इज ए पिंक सिटी, जयपुर को नाम दिया था पिंक सिटी। ठीक है, तो साथियों ये होते हैं आज के आपके कनिष्ठ अभियंता के अंदर जो राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन आए थे, उनको लेकर चर्चा हमने की। ठीक है, जल्दबाजी के अंदर कोई ऑप्शन इधर से उधर हो जाए तो उसके अंदर आपको घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये सारी बातें थी किसको लेकर, आज के अपने कनिष्ठ अभियंता के पेपर में जो 40 क्वेश्चन आए थे। देखिए जैसा पेपर एग्जाम के अंदर आता है वैसा ला रहे हैं, ऐसा नहीं हम टाइप करके ला रहे हैं, आपको बताया जाता है पहले कि ये पेपर आज हम सोल्व करेंगे। आशा करता हूँ आज को ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और आपके कितने राइट हुए ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 40 क्वेश्चन में। एक बार फिर कह रहा हूँ, पुराने पेपर रामबाण साबित होंगे, आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएंगे। चलिए साथियों, आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल फिर किसी नए पेपर के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए। जिंदगी एक बार मिलती है, किसी के साथ में किसी प्रकार की कोई द्वेष की इस प्रकार की धारणा मत रखिए। आप एक अच्छे लिखे पढ़े अच्छे प्यारे स्टूडेंट मेरे साथी मेरे मित्रगण हैं, तो मस्त रहना सीखिए, खुद भी मस्त रहिए, दूसरे को भी मस्त रहने का कहिए, मतलब एक घोचाबाजी नहीं करनी, मस्त रहना चाहिए। जिंदगी एक बार मिलती है, कोरोना काल हमने देखा कि यहाँ बचीड़ उड़ गया, आपा के भी उड़ जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस समय है उस समय मस्त रहिए, अपने और आपका जो लक्ष्य है उसके प्रति आप डेडिकेट रहिए। मिलते हैं कल फिर किसी नए पेपर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम शाह।